नमस्कार दोस्तों, तो आइको का जो इंडिया साइड उसने ऑलरेडी ये जो टीजर पोस्टर देना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन इसका नाम होगा आइको नियो 7 प्रो, मतलब आइको नियो 7 का एक अपग्रेड वर्जन होगा। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन इंडिया पे पोको F5 के साथ कॉम्पीट करने के लिए लॉन्च होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आइको नियो 7 प्रो जो लॉन्च होने वाला है इसका फुल स्पेसिफिकेशन और जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा तो क्या प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट डिवाइस होगा या फिर दूसरा कोई बेटर चॉइस अवेलेबल है। इस वीडियो में चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सबसे करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि इसका नाम है आइको नियो 7 प्रो, तो इसका मतलब ये जो स्मार्टफोन जो ओरिजिनल आइको नियो 7 उसके जैसे इसका डिजाइन होगा। मतलब डिजाइन के मामले में ज्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फोन का थिकनेस है 8.5 मिलीमीटर और वेट है 197 ग्राम। टोटल तीन कलर पे आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे आपको मिलेगा टोटली प्लास्टिक का बैक कवर। डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.78 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज E5 सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 1200 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट, 1500 निट्स का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के सर्टिफिकेशन में आपको मिलेगा HDR10+ का सर्टिफिकेशन और इसके डिस्प्ले का जो परफॉर्मेंस उसे और भी इंक्रीज करने के लिए इसमें आपको मिलेगा एक डेडिकेटेड डिस्प्ले चिप जिसका नाम है डिस्प्ले चिप प्रो प्लस। तो मतलब कह सकते हैं कि प्राइस पॉइंट की सबसे बेस्ट डिस्प्ले इस आइको नियो 7 प्रो में आपको मिलेगा। प्रोसेसर की अगर बात करें इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 प्रोसेसर जो कि कोई अंडरक्लॉक वर्जन नहीं एक फुल वर्जन आपको मिलेगा और इसके साथ 4000 मिलीमीटर स्क्वायर के आसपास का वेपर कूलिंग चेंबर। कैमरे में आपको मिलेगा 58 और 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। ये जो 50 मेगापिक्सल सेंसर उसके साथ आपको OIS का ऑप्शन मिलेगा और ये जो सेंसर उसका नाम है सैमसंग GN5 वाला सेंसर। ये जो फोन आपको टोटल दो वेरिएंट पे मिलेगा 8/256 GB और एक 12/256 GB। रैम का क्वालिटी है LPDDR5। मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 3.1 और इसके साथ कोई भी डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं। बैटरी में आपको मिलेगा 5000 mAh बैटरी, 120 वाट का चार्जर और उसके साथ USB टाइप सी का कनेक्टिविटी। तो इसके बाद अगर कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, कोई भी 3.5 mm जैक नहीं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और स्पीकर के मामले में आपको मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर। तो अब जो सबसे मेन चीज कब लॉन्च होने वाला, तो देखिए ब्रांड ने ऑलरेडी इसका प्रमोशन करना शुरू कर दिया है। तो मतलब जितना मुझे लग रहा है जून महीने के फर्स्ट वीक पे कॉन्फर्म ये जो स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। और अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूं तो देखिए पहली बात तो ये जो स्मार्टफोन आइको नियो 7 का प्रो एडिशन होने वाला है, तो मतलब प्रो के लिए इसका प्राइस प्रोबेबली 3-4000 रुपए इंक्रीज होगा। मुझे जितना लग रहा है ये जो स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च हो सकता है 33,000 रुपीज के आसपास। तो इसका मतलब पोको F5 के मुकाबले आपको 3-4,000 रुपए ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इस जगह हम देखेंगे कि अगर आप पोको F5 के मुकाबले 3-4,000 रुपए ज्यादा पेमेंट करके ये जो आइको नियो 7 प्रो अगर आप लेंगे तो आपको पोको F5 के मुकाबले क्या का एक्स्ट्रा चीज आपको मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है पोको F5 के साथ कॉम्पीट करने के लिए। तो अगर हम पोको F5 के साथ कंपेयर करते हैं, पहली बात तो आपको मिलेगा बहुत ज्यादा बेटर क्वालिटी का डिस्प्ले, क्योंकि पोको पे आपको मिल रहा है 10-bit पैनल। मतलब यही एक्चुअली एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलेगा। लेकिन उसी जगह पे आइको पे आपको मिलेगा पहली बात तो बिगर साइज का डिस्प्ले, E5 सुपर एमोलेड, उसके साथ ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट, ज्यादा इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट और इसके अलावा डिस्प्ले के परफॉर्मेंस को और भी इंक्रीज करने के लिए डेडिकेटेड डिस्प्ले चिप। मतलब डिस्प्ले के मामले में नो डाउट पोको F5 से बेटर। प्रोसेसर की अगर बात करें पोको पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 7 प्लस जनरेशन 2 जो कि ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन जनरेशन 1 के जैसा ही है, लेकिन उसका एक हल्का सा डाउनग्रेडेड पार्ट है। लेकिन स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 प्लस जनरेशन 2 का सभी के सभी फीचर तो मिलेगा, उसके साथ बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इमेज प्रोसेसर आपको मिलेगा जो कि कैमरा ऑप्टिमाइजेशन को और भी इंक्रीज करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रोसेसर पोको के मुकाबले डेफिनेटली बेटर है। कैमरे की अगर बात करें पोको F5 का सबसे बड़ा नेगेटिव चीज इसका एवरेज क्वालिटी का कैमरा परफॉर्मेंस, लेकिन उसी जगह पे इस फोन में आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल सैमसंग GN5 सेंसर जो कि स्मार्टफोन वर्ल्ड की सबसे बहुत ही पावरफुल सेंसर माना जाता है। और इससे पहले जो सैमसंग GN5 सेवा में देखने को मिला था फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन में, मतलब इसका जो कैमरा पोको के मुकाबले बेटर। रैम रोम का क्वालिटी क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम, बैटरी और चार्जर के मामले में पोको के मुकाबले स्लाइटली बेटर। तो मतलब देखिए वीडियो का अगर मैं इंचेस करना चाहूंगा,
अगर आप में से कोई पोको F5 को नहीं लेना चाहते, उसके बजाय अगर आप 3-4 हज़ार रुपए ज्यादा खर्चा करना चाहते, तो आपके लिए आइको नियो 7 प्रो जो कि जून महीने के फर्स्ट वीक पे इंडिया पे लॉन्च होने वाला है, मेरे ख्याल से आप लोग के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस होगा। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताना कि आइको के जो नया फोन जो लॉन्च होने वाला है, इसका स्पेसिफिकेशन देखकर आपको क्या लगा, और जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है तो क्या प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर थोड़ा सा सस्ते में जाके पोको F5 आप चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।